पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद ये घंटा दबाओ। जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके फोन पे टन बोल के घंटा बजेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस सदी के आगाज़ के साथ मुल्क की मईशियत और हिंदुस्तानी मार्केट के हालात बहुत बदले हैं। अगरचे मनमोहन सिंह ने इस्लाहात के नाम पर टैक्सेशन का एक नए दौर का आगाज़ किया था, लेकिन वो उतना ज़्यादा नुकसानदार नहीं था, इसलिए कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सुपर हो रहा था और ऐसे मखसूस एक मार्केट को प्रमोशन नहीं मिल रहा था। लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद से मखसूस तिजारती घरानों को ना सिर्फ प्रमोशन मिला है, उनकी वो सरपरस्ती हासिल हुई है, बल्कि उन्हें बैंकों को लूटने की भरपूर सो मौका फराहम किया गया, उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाने का मौका दिया गया। अलावा जी मुल्क की मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगा है। जो छोटे छोटे कारोबारी इदारे होते थे या सनतें होती थी वो अब बंद होने लगी और कॉरपोरेट सो गलबा हासिल करने लगा। ऐसे में तिजारती जहन रखने वाले नौजवानों को चाहिए कि वो मौजूदा मार्केट का मुतालिया करें और उसमें वही तिजारत को इख्तियार करें जिसमें उनकी मनफियत के मौके ज़्यादा हैं, पनपने के मौके ज़्यादा हैं। इसके लिए हम अगर गौर करें तो देख पता चलता है कि इतनी तरक्की के बावजूद जो आला तबका यानी मुतमविल तबका है वो माजी की तरफ लौट रहा है, वो ऑर्गेनिक फूड्स इस्तेमाल कर रहा है और नेचर की तरफ वैसे जा रहा है। तो ऐसे में हम वो बिज़नेस को अख्तियार करें जिसका चलन ज़्यादा है और जो लोग जिनके पास क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा है वो लोग जो चीज़ें ख़रीदते हैं, हम उसकी तिजारत में अगर हम अपने सरमाए को मशगूल करेंगे तो हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा जो फ़नकारी के काम हैं हम उसमें भी और छोटे पैमाने पर ऐसी सनतें क़ायम कर सकते हैं जिसमें सरमाया भी कम लगता है लेकिन उसकी खपत ज़्यादा होती है। उसके ज़रिए मशीनरी के ज़रिए जो आज के ज़माने में चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है या तलब ज़्यादा होती है, हम वो चीज़ों की सनत में दाखिल हों तो इंशाल्लाह मौजूदा बदहाली के ज़माने में भी हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। अख्तर साहब, मुल्क के तो हालात बहुत ही ख़राब हैं लेकिन जो बैरून मुल्क है ख़ासतौर से जो है अरब ममालिक से भी जो है कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। वहाँ से भी लोग जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न से वापस आ रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ जब कारोबार करने जाते हैं तो काफ़ी बड़ा सरमाया लगने की ज़रूरत होती है, तो कम से कम सरमायादारी में और मेहनत करने के लिए आप क्या मशवरा देंगे ख़ासतौर से जो बाहर से नौजवान वापस आ रहे हैं? मैं यही कहा ना कि हमें पहले मंडी का यानी मार्केट का मुतालिया करना चाहिए कि कौन से माल की या कौन से चीज़ों की तलब ज़्यादा है और किस की तैयारी में सो कम तवानाई लगती है। अगर हम मुतालिया कर ले तो हम यकीनन इस मंदी के माहौल में भी बहुत अच्छा कारोबार कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़हानत का मुजाहरा करें और एक बेहतरीन बिजनेसमैन की तरह पहले मंडी का जायज़ा लें और उस हिसाब से बिज़नेस का इख्तियार करें तो यकीनन कम सरमाए में भी अच्छा मुनाफा हासिल करने वाली तिजारत शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन बिज़नेस आप लोग अख्तियार कर सकते हैं। बहुत से ऐसी अदवियात है या ऐसे घरेलू टोटके हैं जिनको आप ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए फरोख्त करेंगे तो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क उसकी तलब ज़्यादा है और अच्छा खासा उसमें मुनाफा हासिल होता है। अतर साहब, ये बताइए कि अगर चार लोग मिलते हैं तो क्या हम जो है कोई फैक्ट्रीज वगैरह, क्योंकि तिजारत में जो है नुकसान फायदे का डर होता है, अगर कोई हम फैक्ट्री लगाए प्रोडक्शन के दौर में जाए, क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी तादाद में कम्युनिटी रहती है या ख़ासतौर से हैदराबाद में तो बल्कि जो है तेलंगाना स्टेट में, तो अगर कोई फैक्ट्रीज वगैरह का जो निज़ाम अगर तैयार करा जाए तो क्या उम्मीद है हुकूमत से, मिले या ना मिले, चार लोगों मिल के अगर शुरू करें तो उस पर कैसा रहेगा? बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी ख़रीदी पर या जिसको बैरून मुल्क से दरामद करने पर हुकूमत हिंद सब्सिडी देती है, हमें वो चीज़ों का मालूम। जैसा फूड प्रोसेसिंग
का शोभा है उसमें बहुत से ऐसी मिशनरीज है जिसमें 50% तक ऐसा गवर्नमेंट सब्सिडी फराहम करती है। यकीन तो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब जैसे एक बात है, अभी उन्हें बताया कि फैक्ट्रीज खोलने की है, आप जूस है मुख्तलिफ फलों का जूस बनाकर ऐसे मुकामी तौर पे बेच सकते हैं, हत्या कि आप ऐसा नारियल का पानी है या कैरी का आप शोला भी बनाकर नए नए चीज़ें। देखिए मार्केट में क्या चाहिए, एक अच्छा मियारी माल हो, साथ ही साथ उसकी अच्छी मार्केटिंग हो, और आपको ऐसा लोग क्या पसंद करते हैं उसका अगर अंदाज़ा हो जाए तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। उसी तरह ऐसे यूनानी मेडिसिन के इसमें आप ऐसे दाखिल हो सकते हैं। अगर आप देखें तो एक आजकल बहुत चलता है नुस्खे अरबिया, जो दिल के अमराज के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, और यकीनन वो बेहतर है, और इसमें जो कंपनियां मशगूल हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। तो भैया मैं आपको एक बार डिस्टर्ब करूँगा, क्या हम फैक्ट्री लगाने के लिए ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत से कि वक्फ लैंड जो है हर अजला में मौजूद है, तो क्या हुकूमत आगे बढ़ के हमारे जो रहबर है, सियासतदान है, जो आलमी फुरखा है, जितने भी हैं, क्या इसमें मदद कर सकते हैं? अगर आप हुकूमतों पे इन्हेसार करने लगेंगे तो फिर समझिएगा आप खुद को पीछे ढकेल रहे हैं। तो जहाँ तक पेशे तिजारत की बात है तो आप बिल्कुल एक ताजिर के हिसाब से सोचिएगा, दूसरों से ये लेने के बजाय, उसके बजाय गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ दे रही है उससे इस्तेफादे कीजिए। ये अब औकाफ़ की ज़मीनात के इस्तेमाल के इसमें होगा तो आप अप्लाई करेंगे 2 साल तक ऐसे आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रहता है, इसलिए कि वक्फ बोर्ड में जिस अंदाज में काम होना चाहिए वो तो होता नहीं। तो नतीजा ये होगा कि आप 2 साल तक आप पिटीशन देकर बैठ जाएंगे कि अब हमारा अप्रूवल होगा, तो आप ऐसे काहिल होना शुरू हो जाएंगे और आगे चल के कुछ भी नहीं कर पाते। देखिए हर घर की ज़रूरतें अलग होती है, आप अपने इतना ही मैं कहूँगा कि आपकी आमदनी जितनी है अपने अखराजात को उसी में रखें, और अगर मनसूबाबंदी करते हैं तो आपको बहुत से चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, बेहतर भी मिल जाती हैं। तो ख़रीदी करते वक्त भी एक सारिफ की हैसियत से आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन, हम जो शय ख़रीदने जा रहे हैं वो कहाँ पर बेहतर मिलती है और कहाँ पर सस्ती मिलती है। तो अगर इस तरह की हम मनसूबाबंदी करें तो हमें बचत पर ऐसा तवज्जो देनी चाहिए, कंजूसी और बुखल से परहेज करना चाहिए। तो कंजूसी से परहेज करना चाहिए, मौजूदा हालात तो कुछ और ही कह रहे हैं कि भाई आप बचत से बचत करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर खर्च करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्च ना करें, ये बचत है, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर खर्च नहीं करना वो बुखल है, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्च करना वहाँ पे वो इसराफ कहलाएगा। तो हमें इसराफ बुखल और ऐसो बचत के दरमियान ऐसो तय करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारे बचत होनी चाहिए और कहाँ पे हमको ऐसो फरागी से ऐसो बचना चाहिए। ये जो दवाइयों का मामला है, खासतौर से आजकल जो बीमारियाँ हैं, दवाखानों में जो लूट मार हो रही है, तो इसको आप एक बीच में एक बात की है कि भाई ये जो छोटे छोटे नुस्खे हैं जो बड़े लोग पैसे वाले लोग मानते नहीं है, तो उसको, क्योंकि आपने भी इस पर भी मुताला किया है, मैं यदि जहाँ तक जानकारी है, तो ये डेंगू या जो जो भी जिस तरह की बीमारी आ रहे हैं, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कमर तोड़ दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए आप। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारने लगे तो मैं समझता हूँ कि बीमारियों से आप बड़ी हद तक बच जाएंगे। दूसरी बात, अगर खुदा नखास्ता आप अगर बीमार पड़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेकेंड ओपिनियन लेनी चाहिए, आप डॉक्टर के एक डॉक्टर से मशवरा करें तो फिर दूसरे डॉक्टर से भी कर ले जहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में आपको बचत होगी। दूसरी बात ये है कि हम उनको डॉक्टर खौफज़दा कर देते हैं, एक मोमिन को अपने मौत से नहीं डरना चाहिए, और अगर ये सोचते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एहतियात ना करें, लेकिन एहतियात करें, लेकिन खर्च करते वक्त देखें कि उसका मुतबादिल या अल्टरनेट क्या, कोई इलाज है क्या। जिस तरह एलोपैथी से आज आप अमेरिका और यूरोप जाएंगे तो एलोपैथी से लोग दूर भाग रहे हैं और दूसरे तरीक़े इलाज को इख्तियार कर रहे हैं, जिसमें यूनानी भी है, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथी भी है, उसके अलावा नेचुरोपैथी, बहुत से तरीक़े कार है, और ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर ज़हानत का मुजाहरा करें तो यहाँ पर भी आप हज़ारों बल्कि लाखों पैसे बचा सकते हैं।